परसों का इतना टाइम है। अरे तो जान तो दे। अरे भाई क्या हो गया? अरे यार ये मेरी बाइक नहीं खड़ी। इस पैकेट के अंदर ना एक ऐसी चीज है जिसे मैं लॉकडाउन से पहले मंगाने की सोच रहा था, तो भाई की बाइक वहां गिरी हुई थी, मैंने देख ली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो अभी अभी मैं नहा के रेडी हुआ हूँ, तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग देख रहे हो आप अपने रूम से कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर टीवी चल रही है, ड्राइंग रूम में मम्मी टीवी देख रही है। तो हमेशा मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से करता था, बट मैंने सोचा अब क्या टीवी बंद कराऊं, अंदर से कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी चलते हैं हम जिम। आज सुबह से एक तो लाइट नहीं आ रही है, लाइट ना आने की वजह से ना बहुत सारे काम फेल हो गए। बताऊंगा अभी चल के आपको, दिखाऊंगा अभी क्या क्या काम चल रहे थे जो कि लाइट की वजह से ना सारे के सारे रुक चुके हैं। तो अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, मतलब एकदम से सॉल वॉल उड़ के घूम रही हो। चलो मैं जा रहा हूँ जिम। ओट्स पैक हो गए मेरे? स्वेटर नहीं है, वैसे नॉर्मल है। ओट्स पैक हो गए? चलो फिर तुम भी भागवत सुन लो, जरा भागवत सुन लो चल के। सुन रही हूँ, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। हाँ किसके ऊपर? इसके ऊपर स्वेटर पहनू मैं? बहुत बढ़िया है स्वेटर। अरे ये पहले से इतनी गर्म आ पा रहा है, इसके ऊपर स्वेटर पहनू, बाहर बर्फ तोड़ना पड़ रही। तो ये रहे अपने ओट्स। क्या करी है निधि? कार्टून देखते है। तुम भागवत देखो। पढ़ाई चल रही है? तो भाई पढ़ाई चल रही है कि गेम खेल रहा है? काम। तो भाई साहब मौसम हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, ये यहाँ काम चल रहा है आगे, झाड़ियाँ कट के प्लॉट एकदम बन गया नया, दुकानें वुकानें बन रही है इसमें। तो अभी फटाफट से चलते हैं जिम। जिम का टाइम हो गया, 10 मिनट बचे हैं बस। डेली डेली लेट हो जाता हूँ शाम को जाने में। आज देखता हूँ अपनी बाइक को भी वॉश कराने के लिए देता हूँ, यार बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बहुत दिन से। अभी पहुँच गया हूँ मैं जिम, और ये चेक करें आप, यहाँ था अपना सप्लीमेंट का स्टोर जो कि अब गायब हो गया है। सुबह से ना लाइट के चक्कर में ये दिक्कत आई, यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हुई थी गेट और या रैक वगैरह ये सारी खोल के हमने नई वाली शॉप में पहुँचा तो दी थी, लेकिन फिर लाइट चली गई और उन्होंने बोला था लाइट कट ऑफ हुआ है किसी काम से ना, तो शाम के 5 बजे लाइट आएगी, तो वो लोग चले गए, वरना सारा काम कम्प्लीट हो जाता शॉप का। बट अब फिर से 2 दिन के लिए पेंडिंग हो गया, क्योंकि जो लोग काम करने आए थे उनके घर में शादी वगैरह है, तो 2 दिन के लिए वो अब नहीं आएंगे, तो 2 दिन काम और ज़्यादा लेट हो गया अपना। तो अभी कुछ दिन में जब ये सारा सामान यहाँ से हट जाएगा ना, तो यहाँ पे हम रबड़ वाली मैट लगाएंगे और यहाँ बेटर रोप टायर वगैरह कुछ ना कुछ लगाएंगे। इस पैकेट के अंदर ना एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं लॉकडाउन से पहले मंगाने की सोच रहा था, तो मैं मंगा नहीं पाया था, लेकिन अब फाइनली मैंने इसे आज मंगा लिया है। लेकिन इसे मैं दिखाऊंगा कल, कल अपना बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट है ये, उसमें काम आएगा। तो मैं कल इसे पहली बार यूज करके देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या फ़ायदा है इसका और आप लोग ले सकते हैं या फिर नहीं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी जो मैं ओट्स लेके आया था उसमें डाल दिया मैंने बॉयल चिकन, तो कभी चावल लेके आता हूँ कभी दाल, जो भी हो अपना चिकन तो खाना ही है। सो गाइस टाइम हो गया है अभी घर जाने का, 9:40 हो चुके हैं। मिथुन भाई का वेट कर रहा था पर वो नहीं आया आज, चलो अब चलते हैं घर। बाइक इतनी वॉश नहीं हो पाई आज, कल पक्का कराएंगे। अरे भाई क्या हो गया यार? ये मेरी बाइक ना खड़ी नहीं हो पा रही यार मेरे से। खड़ी नहीं हो पा रही या गिर गई है? गिर गई है धोखे से ना। रुको रुको मैं खड़ी कर देता हूँ, इधर आ जाओ साइड में आ जाओ। यदि आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी यार। बिल्कुल, कब से पड़ी है यहाँ पे? नहीं बस जस्ट आया ही हूँ और बस आगे से एक बाइक आ गई थी, तो उस वजह से। कोई बात नहीं मैं खड़ी कर देता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। आपने क्या कर दिया, आपको क्या पता? बस चोट वोट तो नहीं लगी आपके? नहीं नहीं चोट वोट कुछ नहीं है। हाँ चप्पल नहीं, चप्पल मैं ढूंढ देता हूँ तुम्हारी, तो चप्पल रुको मैं दूसरी वाली भी छोड़ जाता हूँ। अबे बीवी भाग गई तो पति के करना क्या? कोई बात नहीं, इसे भी छोड़ दो आराम से। किसी को बुलाया तुमने? भाई आएगा तो जब तक आएगा तब तक मैं घर पहुँच जाऊंगा। चलो कोई नहीं, चला लो आराम से, देख लो पहले। ठीक है भाई, ओके ओके भाई, आराम से जाओ। ठीक है भाई, देख लो चला लो या फिर किसी को बुला लो फिर। हो गई, हो गई स्टार्ट, आराम से जाना। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आराम से जाना भाई। सलमान तुम्हें राजी रखे तुम्हें? अरे बिल्कुल 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 भाई, भाई तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे। ओके भाई ओके, आराम से जाओ। भाई की बाइक वहाँ गिरी हुई थी मैंने देख ली, मैं यहाँ से बाइक रोक के गया, पता नहीं क्या हो गया भाई, नाले में पड़ा हुआ था अकेले। भाई इतना क्यों पी लेते हैं ये? The next day.
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन। तो रात का आपने जो वीडियो देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, भाई साहब वो पता क्या सीन था, जब मैं जिम से घर आ रहा था ना तो एकदम अंधेरे में, मतलब एकदम से ब्लाइंक स्पॉट था, कोई वहाँ पे लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, एकदम मोड़ थी। तो वहाँ खाई में ना एक बंदा दारू पी के पड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे मेरी नज़र पहुंची गई थी। मैं धीमे धीमे आ रहा था बाइक से सर्दी की वजह से, तो मैं देखा कोई गिरा पड़ा है। तब मैं गया, तब मैंने उसे निकाला और वो इतने नशे में था, उसे ये नहीं बोला जा रहा था कि मेरी बाइक गिर गई है, कह रहा मेरी बाइक खड़ी नहीं हो रही है। फिर मैंने उसे जैसे तैसे निकाला, घर भेजा। भाई कितने पी लेते हैं लोग, खैर छोड़ो वो सब। तो फिलहाल मैं चलता हूँ जिम। आज हम लगाने वाले हैं अपना बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, अपना वर्कआउट का जो शेड्यूल है, मतलब गेनिंग में जो अपना शेड्यूल चल रहा था सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट का, वो चेंज हो चुका है इसी मंडे से। आज है ट्यूसडे, तो कल मैंने मंडे को लगाया था चेस्ट और ट्राइसेप्स, आज लगाएंगे बैक और बाइसेप्स, कल लगाएंगे हम लेग्स और शोल्डर। तो इस तरीके से अपना डबल बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो अभी चलते हैं फटाफट से जिम। Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. तो इसे मंगाने के लिए जितना एक्साइटेड था ना, उतना ही मतलब कट गया अपना। तो ये देखो, इसे बोलते हैं फैट ग्रिप। और ये बाइसेप और ट्राइसेप मारने के काम में आती है। इसे आप डंबल में, रॉड में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखा होगा आपने मोटिवेशनल वीडियोस में, या फिर मैं साइड में लगा दूंगा क्लिप। तो मैंने भी यही सोच के मंगाई थी कि इसे हम डंबल या बारबेल में यूज करेंगे, बट जिस भी सेलर ने भेजा है ना, सच बताऊँ बहुत ही बकवास भेजा है। इसे कितना भी मैंने कोशिश कर लिया था खोलने का, बट इतना ज़्यादा हार्ड है कि खुल ही नहीं रहा। वैसे रबड़ का होना चाहिए था, पर ये प्लास्टिक का है, पक्का मेरठ का सेलर होगा। मेरठ में ना चीज़ें बनाने से मतलब होता है, चाहे वो बकवासी क्यों ना बने। तो अभी मैंने इसे वापस करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है। हमें जो इसे मंगाया था तो है तो काम की चीज़, पर ये क्वालिटी बहुत ही घटिया आई है। तो अभी इसे वापस कर देंगे, देखते हैं। अब फिर कभी मैं खुद जाऊँगा ना कहीं, तो खुद लेके आऊँगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से घर। एक तो POP चल रही है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। ये देखो रोड पूरा ब्लॉक हो रखा है अच्छे से। तो अभी मम्मी का कॉल आया था कि मामा जी के यहाँ से कुछ सामान लेके आना है, तो पहले यहाँ से चलते हैं मामा जी के यहाँ, वहाँ से कुछ सामान लेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कार को भी वॉश करा लेता हूँ। तो जहाँ पे कार वॉश होती है वहाँ होके चलेंगे हम, अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, उनके पास टाइम होगा तो हाथों हाथ कार वॉश करा लेंगे। वैसे तो मैं ज़्यादातर ना कार को ना घर पे ही वॉश करता हूँ, बट अभी रोड बन रही है जिस वजह से ना वहाँ पे पानी नहीं गिरा सकते, उन्होंने मना किया है। तो अभी देखते हैं कार वॉश करा के चलेंगे, पहले ट्रैफिक खुल जाए तो मामा जी के घर तो चले। पोछा लगाया क्या अभी? अच्छा ला भी दे दो जल्दी, क्या कीचड़ हो रखी है, मैं क्या करूं। लाओ, हॉस्टल पे थे बहुत देर से, वहीं खड़ा था मैं 15-20 मिनट से। चलो ठीक है, चलनी ना है। अरे चल लो, टाइम आए आओ। चलो फिर, परसों का ही तो टाइम है। तो यहाँ से दोनों सामान लेना था, ले लिया। तो अभी चलते हैं हम सीधे कार वॉश कराने, उसके बाद चलेंगे घर। तो वैसे मैं आजकल ना बैक कैमरा से वीडियो शूट करने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ना अगर गलत शूट हो जाए ना, मतलब एंगल सही ना आए, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि बैक कैमरा से शूट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक मैं फ्रंट कैमरे से शूट किया करता था। और ये क्या हाल है, टाइम लगाया क्या अभी? बार बार से बॉस करनी है बस। और साहब क्या हाल है, कहाँ चले गए थे आप? तो कार अपनी वॉश होके हो गई है रेडी, तो नई वाली स्कॉर्पियो क्या सेट लग रही भाई, बहुत बड़ी, सही में फॉर्च्यूनर से तो बहुत ही बड़ी लग रही।